शहर का सबसे पहला गार्डन चंबल गार्डन, जिसका नाम हर जगह मशहूर है, उस गार्डन का हाल क्या हो रहा है यह हम दिखाते हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति 5 से 10 रुपए देकर अंदर घूमता है और आनंद लेता है। अभी स्थिति ऐसी है, यहां झूले लगाए गए थे काफी टाइम पहले, उनके हालात इतने बदतर हैं कि ना तो बच्चे झूल पाते हैं ना ही वहां का आनंद उठा पा रहे हैं। यह हालात अभी भी नहीं, कई साल हो गए हैं, झूले टूटे फूटे पड़े हैं, कोई झूले टूट गए तो वहां झूले ही नहीं लगे हैं। जो रोबोट कई ऐसे झूले लगाए गए थे कुछ साल पहले, जिन पर अभी तक कोई कलर पेंट या कोई डिज़ाइन नहीं की गई, जो बच्चे झूलते हैं उनके कपड़े फट जाते हैं तो कई बच्चों के चोटें आ जाती है। शहर में इतना विकास हो रहा है और चंबल गार्डन जो उसका रखरखाव नगर निगम की देखरेख में होता है, लेकिन हालात आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह के हैं। एसटीएन के लिए सुनील सेन की रिपोर्ट। किस तरह के हालात, झूले वूले कैसे पड़े हैं अभी? मैं यही बोलना चाहता हूं कि आज हम बच्चों के लिए साइकिलिंग कराने में लाया था, बच्चों को बॉन्डिंग में इनकी एक्सरसाइज होती है, तो यहाँ आके हमने देखा कि झूलों की सुविधा बहुत ख़राब है और बच्चे परेशान हो रहे हैं, कहीं झूला झूल भी रहे हैं तो कभी उनका कोई लोअर टी शर्ट कहीं फट रहा है, तो पुराने जंग लग चुके हैं झूलों पर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से जो यहाँ जिम्मेदार है कि इन झूलों को दुरुस्त कराए जल्दी से, और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे के स्कूल्स बंद है, बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है, लॉकडाउन में परेशान हो रहा है पूरी तरीके। हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हो कि जैसे ये मॉन्यूमेंट्स बना रखे हैं खेलने के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरे मित्र के लोअर फट गया है, ठीक है, मेरे पैर में लग गई है, ठीक है, और मतलब इसको देखो, ये केवल एक मॉन्यूमेंट लग रहा है, जैसे कि बनाया देखने के लिए गया हो, ठीक है। उधर गए हम लोग, तो उधर हम लोग चढ़ रहे थे तो हम मेरे पैर में लग गई उधर से, इतनी उबड़ खाबड़ है, यहाँ का लोहा उखड़ रहा है बिल्कुल बुरी तरह से, ठीक है। नमस्कार, कोटा मैं खड़ा हूँ इस बार चंबल गार्डन में। ये देखिए आप झूलों की हालत, किस तरह से टूटे फूटे झूले हो रहे हैं, क्या बच्चा झूले, और किस तरह से लॉकडाउन हो रहा है, बच्चे घरों में बंद हैं तो वो सोचते हैं एक दिन आके यहाँ पर आए झूले, तो यहाँ के हालात देखो किस तरह झूले पड़े हैं, इनकी अभी तक कोई वो नहीं है देखने। ये देखिए आप, पूरा झूला पड़ा है, टूटा पड़ा है यहाँ पर सारा, देखो कैसे बच्चे झूले यहाँ पर, और बच्चे झूलते हैं तो चोटिल होते हैं, कोई के घायल हो रहे हैं, कोई के कपड़े फट रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। दिखाता हूँ आपको चंबल गार्डन के झूलों के हालात, ये देखिए सब टूटे फूटे पड़े हैं, काफ़ी टाइम हो गया इनको, ये देखिए रोबोट लग रहा है, क्योंकि 4-5 साल हो गए अभी तक इसमें ना कलर हुआ है ना कोई हुआ है, मतलब कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। सामने एक झूला लग रहा है, ये देखिए इनके तो झूले ही नहीं है, मतलब मानो आप कि 4-5 साल हो गए झूले के रिपेयरिंग, ना कोई नए झूले लगाना कोई वो नहीं है। देखना ये है अब कि नगर निगम कब चेतती है और यहाँ कब बच्चों के लिए नए झूले लगाती है, कब रखा करती है।